हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक माना जाता है इसको। तो इसका जो शेयर है इसमें काफ़ी बढ़िया पिछला जो एक साल गया है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया था, स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक ने गोते लगाए थे नीचे, ऐसे गोते लगाए थे कि भैया वापस मुड़ के नहीं देख रहे हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने, उन्हीं की जगह पर अगर आप देखो आईसीआईसीआई बैंक के रख कर देखो, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और साथ में देखिए, आज बहुत खास रहने वाला है आज का दिन, ज़बरदस्त प्रॉफिट की उम्मीद है जताई जा रही है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, क्योंकि आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। चलिए बात करते हैं इसके, थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं आईसीआईसीआई, फिर रिजल्ट आएगा उसके साथ अपडेट करेंगे आपको। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर फोर का जो प्रीव्यू अगर देखोगे आप, डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट का जो सजेशंस आ रहे हैं, जो उनका एनालिसिस आ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि अप टू 90% राइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल जाता है। कुछ स्लिपेज भी रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे जो NII है उसका एक्सपेक्टेशन है कि 20% ईयर ऑन ईयर वहाँ पे भी जंप देखने को मिलेगा, जो कि 7100 करोड़ से 7300 करोड़ के रेंज में रह सकता है। तो चलिए, मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे ICICI बैंक के बारे में देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, ये शेयर ज़बरदस्त 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, 401 का प्राइस है और 411 का इसने हाई भी बनाया है। अभी बुक वैल्यू देखिए 166 के आसपास, पी रेशियो 42 के आसपास है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% और सेल्स ग्रोथ भी 4% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 9 रुपये के आसपास इसकी है। अब बैंकिंग शेयर का मैं हमेशा कहता हूँ, अब डेट नहीं देखा जाता, बैंकिंग शेयर का काम काज NPA एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखी जाती है कंपनी के ऊपर, क्योंकि बैंक के ऊपर डेट होता ही होता है, वो RBI से पैसा उठाता है और आगे बेचता है। अब दूसरी चीज़, ये तो आपने देखा इसका फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स अगर आप देखें, जैसा मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। देखिए 2016 फरवरी 2016, और अभी 2 साल हुए हैं इस बात को, ये स्टॉक देखिए 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था फरवरी 2016, और इवन अगर आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टॉक अभी जुलाई 2018 यानी कि 1 साल पहले भी 250 पर ट्रेड कर रहा था, और आज इसका 150 रुपये अप जा चुका है और 401 पे जा चुका है। यानी कि आप देखिए, खुद देखिए कि किस तरीके से 160 से 3 साल के अंदर शेयर 401 जा चुका है। तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया जंप इतने बड़े स्टॉक के लिए, ये काफ़ी मतलब बढ़िया ये रैली देखने को मिली है पिछले 2 साल की, ये 2 साल की रैली। इवन अगर आप देखें ICICI थोड़ा सा स्लो मूवर ज़रूर है, लेकिन रिटर्न इसने बहुत बढ़िया दिया है। 2009 में जो गिरावट इसमें आई थी, जो इसको 250 के लेवल से धराशाही करके 44-45 रुपये के लेवल पे ले गई थी, लेकिन वहाँ से जो इसने पकड़ बनाई है वापस, वो काबिल तारीफ है। 10 साल में ये स्टॉक देखिए 50 रुपये से 400 रुपये तक आ चुका है, मतलब बेहतरीन। और यहीं पर ICICI बैंक की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कुछ इस तरीके से है, 87 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने जबरदस्त 27-28% की होल्डिंग बना रखी है, और 1145 FII का पैसा लगा हुआ है। मेजोरिटी किसकी है? FII की। इवन LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी इसमें 8% पैसा लगा हुआ है। मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया, इंश्योरेंस कंपनीज, FII, म्यूचुअल फंड्स, ये मेजर इन्वेस्टर इसके अंदर है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो LIC। तो आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली, साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिजल्ट। ICICI बैंक का आज यानी कि 6 मई को रिजल्ट डेट है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस स्टॉक में इस रिजल्ट के बाद जबरदस्त उछाल आ सकता है अगर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो आज का रिजल्ट है। अब ICICI बैंक से आपकी क्या उम्मीद है? अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो बढ़िया प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्च 2018 में इसका प्रॉफिट कम था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये प्रॉफिट बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इससे पहले 11-12 हज़ार के करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा था और मार्च 2018 में इसमें प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई थी, जिसकी वजह से देखिए शेयर में भी मार्च 2018 में थोड़ा सा डाउन उस टाइम पे आया जरूर था, स्लंप आया था। देखिए 364 से गिर के शेयर 270-270 तक आ गया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी इसने करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।